फोन है वो अटैच किया हुआ है, और इस तरफ से इसकी एलईडी लाइटें लगी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जावेद, हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हर इंसान और हर मुसलमान पे अपना रहम करम करे। जैसा कि आपको मालूम है कि शाह भाई अभी भी उसी आफिया किड स्कूल में मौजूद है, अभी तक कोई नई अपडेट नहीं आई, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह शाह भाई का जो वीज़े का प्रॉब्लम है वो जल्द सॉल्व हो जाएगा और इंशाल्लाह वो अपना सफ़र जारी रख सकेंगे। उम्मीद है, सुनने में यार है कि ये वाला जुमे का जो दिन है उस दिन इंशाल्लाह वो अपना सफ़र जारी कर देंगे। तो पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने शाह भाई की कवरेज के लिए काफ़ी सारी चीज़ें ली हुई दुबई में, तो एक दो भाई ने बोला कि आप प्लीज़ दोबारा ज़रा डिटेल के साथ बताएं। तो कुछ सामान मैंने पहले लिया था, कुछ मैंने आप अभी और ख़रीदा है, इसी तरीके से मैंने ड्रोन भी लिया हुआ है, लेकिन अगर देखें कि वहाँ ड्रोन से कवरेज की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन जो मैंने कुछ और चीज़ें भी ली हैं तो चले वो देखें मैंने शाह भाई की कवरेज के लिए और क्या क्या सामान लिया है। जैसा कि उस दिन मैंने अपने सामान की अनबॉक्सिंग की थी, तो कुछ कमेंट्स आए कि आप दोबारा दिखाएं आपके पास कौन से गैजेट्स हैं, तो मैं दिखा देता हूं कि एक तो मेरे पास ये है, मैंने आपको उसमें दिखाया था GoPro 11, और मैंने इसके साथ अटैच किया है उसका वोल्टा, और इसकी मैंने सेटिंग करके रखी है 4K 30 FPS पे अपने हिसाब से, और फिर वही सोनी का कैमरा और उसके सारे सामान। ये उसका कैरिंग बैग है। एक जो सबसे ख़ास चीज़ है उस दिन मैं दिखाना भूल गया था, ये है आप देखें, ये एक गिम्बल है, इसको नेवियर बोलते हैं, और एक फ्रेम की तरह बना है, और इसके साथ देखें मैंने अपना जो फ़ोन है वो अटैच किया हुआ है, और इस तरफ से इसकी एलईडी लाइटें लगी हुई हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, और इसके दूसरी साइड के ऊपर देखें एलईडी लाइटें लगी हुई हैं। अगर किसी ऐसी जगह पे आप वीडियो बना रहे हैं तो इसकी इस तरीके से लाइट ऑन कर दें, आपको दिखाता हूँ। देखें मैंने इसकी ये लाइटें इस तरीके से ऑन की हुई हैं, ये अब आराम से दूसरा सामान भी देख सकते हैं।